कहानियाँ नई नई सीख देती हैं बच्चों में। अगर अच्छे संस्कार सींचने हो तो कहानियाँ सबसे अच्छा जरिया बन सकती है। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज आप एक इमोशनल कहानी आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। हाँ, इमोशनल करने के साथ साथ एक बहुमूल्य बोध भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इसे ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा। एक बूढ़ा भिखारी की अनोखी कहानी है ये। हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था, और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता था। कई बार उसके लिए गालियां भी बकता। वो कहता, तू जिंदा ही क्यों है, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या, धरती का बोझ क्यों बन के बैठा है। और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना कुछ हो जाने के बावजूद अधिकारी के मुँह से सिर्फ यही निकलता है कि भगवान हमारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वो भिखारी आ गया। गुस्से में अपना आप खोता हुआ सेठ ने उस भिखारी को पत्थर से दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। भिखारी वहाँ से चला गया। ये बात कह के सेठ सोच में पड़ गए। भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने भगवान से प्रार्थना की। फिर सेठ का थोड़ी देर बाद गुस्सा शांत हुआ। भिखारी का रहस्य जानने के लिए उसने सोचा कि ऐसा क्या है सेठ में जो कभी बद्दुआ नहीं देता। फिर उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। भिखारी जहाँ जहाँ जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता, भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक औरत लेटी हुई काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से खड़ी हो गई। पत्नी ने अपनी पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी हुई थी। उसे देखकर बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर पर खून कैसे निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी। बूढ़ा भिखारी बोला, बस आज बस इतना ही मिला कि किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सब ने गालियाँ दी और एक ने पत्थर भी फेंक के मार दिया, जिसकी वजह से मेरा सर फट गया। एक गहरी ठंडी सांस लेकर बूढ़ा भिखारी बोला, ये मेरे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ साल पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन हमने कभी टान नहीं किया। और उससे भी बुरा, हमने उस अंधे भिखारी के साथ क्या किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी ने आँखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बिचारी के अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसके खाने के लिए रोटी की जगह कागज़ दे दिया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते, और कभी कभी उसे मार भी दिया करते थे। मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी, और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता कि भगवान तुम्हारे किए हुए की सज़ा ज़रूर देगा, तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरा साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को भी ना मिले, मैं ये नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वो आधी रोटी मील बांट कर खाए और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन बड़ा भिखारी फिर से भीख मांगने गया सेठ के घर के पास। जाते ही सेठ ने पहले से गर्म रोटी या उसके निकाल कर रख रखी थी पे उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ़ कर दीजिए बाबा, उसे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया।
इस कहानी से दोस्तों ये सीख लेने लायक है, वो बड़ी ही सिंपल है। आदमी चाहे किसी भी बारे में बुरा कहे या भला कहे, लेकिन भगवान सिर्फ कर्म के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर भगवान नहीं दिखता? लेकिन ये बात बिल्कुल सच है, उसके खाते में सबका बहुत पक्का हिसाब होता है। इसलिए जब किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। तो